हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरे हिमाचली पहाड़ी लाइफस्टाइल रूरल इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज चुके हैं। मौसम दिन में काफी गर्म था, धूप काफी तेज थी, मगर इस टाइम फ्रेंड्स मौसम काफी मस्त हो गया है। ठंडी हवाएं चली हुई है, आसमान में ये देखिए सारा आसमान बादल से घिरा हुआ है, ये देखिए। और हमारे यहाँ सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो पहाड़ में तो ऐसा लग रहा है जैसे धुंध सी दिख रही है दूर से, मगर छोटे छोटे बारिश के छींटे भी लग चुके हैं, बारिश लग चुकी है। ये देखिए अभी पहाड़ों में गिरी है, यहाँ तक पहुंच जाएगी बारिश, ये देखिए। काफी दिनों से फ्रेंड्स 10-12 दिन हो गए बारिश हुई नहीं है, तो मौसम काफी गर्म बना हुआ था। तो आज तो ऐसा पूरा माहौल बन चुका है बारिश का, और पहाड़ों में तो लग ही चुकी है बारिश। तो फ्रेंड्स आज हम बारिश का आनंद लेंगे, देखिए। ये देखिए आम का पेड़ है, ये देखिए आम लगे हुए हैं, पर थोड़ी सी हवा, आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं, मगर थोड़ी सी हवा चलने पर भी आम, ये देखिए आम गिर गया, एक नीचे आम गिर गया। खेत इतने सूख चुके हैं फ्रेंड्स कि इसमें पानी लगाना पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ मैंने पानी लगा रखा है, पर अब तो बारिश आ ही चुकी है, तो आज शायद बारिश काफी जोर से हो ही जाएगी, क्योंकि वैसे भी बारिश बताई हुई है हिमाचल में। ज्यादा धूप होने की वजह से गमले सूख रहे थे, तो मैंने आज यहाँ इकट्ठे करके इन गमलों को लगा दिया है, और इसमें मिट्टी वगैरह भी आज डाल दी है, क्योंकि कई गमले ऐसे थे जहाँ मिट्टी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने इनमें मिट्टी भी डाल दिया। आज इनकी पूरी मेंटेन कर रखी है, ये देखिए पूरे गमले भर के रखे हुए हैं, सारे गमले इकट्ठे करके रख दिए एक जगह में, क्योंकि यहाँ अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ के नीचे धूप ही कम लगती है, तो मैंने इन्हें यहाँ रखा था, यहाँ रख दिया इकट्ठा करके। पहले इन्हें यहाँ रखा हुआ था, यहाँ तो काफी तेज धूप लगती है, तो मैंने यहाँ से उठा के इन्हें अमरूद के नीचे रख दिया है। हवा भी काफी तेज है, तेज हवा के साथ थोड़े थोड़े छींटे पड़ रहे हैं, ये देखिए आंगन में छींटे पड़ रहे हैं, अभी बिल्कुल हल्के हल्के पड़ रहे हैं, क्योंकि आंगन काफी गर्म है, तो वो गिरते सूख रहे हैं आंगन, वैसे थोड़े थोड़े छींटे। देखते हैं कितनी बारिश होती है। मैं आपको सेपू बड़िया बनाने बताऊंगी कि सेपू बड़िया किस तरह बनाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स सेपू बड़िया है, हमारे हिमाचली कांगड़ी धाम में इसे यूज किया जाता है, ये देखिए सेपू बड़िया। हमारे घर में सिर्फ दो ही आदमियां खाने वाले, तो मैं इतनी सी सेपू बड़ियां बनाऊंगी, देखो। सेपू बड़ियां बनाने के लिए इंडक्शन में मैंने पानी चढ़ा रखा है, ये देखिए पानी उबल रहा है, उबलते हुए पानी में मैं इसे डाल दूंगी, देखिए इनको डाल दूंगी, अब इसे ढक्कन लगा के इंडक्शन को बंद कर दूंगी। अभी से आधा पौना घंटा इसी तरह रहने दूंगी,